लो जी, नज़म बकरा मंडी पेशे खिदमत है। ये नज़म जेड़ी है ना, ये मैं 8 साल 8 महीने 8 दिन 8 घंटे 8 मिनट दे विच लिखी सी। एक एक सेकेंड मिनट मैं उन्हें याद है, इन्ना टाइम ये ते लगा, क्योंकि नज़म नहीं एक पूरा निज़ाम है। इहदे विच दो किरदार ने सारे, एक मलिक साहब ने ते एक मन्ना। मलिक भी मीम नाल शुरू हुंदा है ते मन्ना भी मीम नाल शुरू हुंदा। इन्हां दोवां किरदारां च जिहड़ी बुनियादी मुश्तरक खूबी है, वह हैगी कि दोवें ही लीचड़ ते लेंज ने। लीचर और लेंज भी लाम नाल ही शुरू हुंदे ने, और लीचड़ दी अगर कोई मैनू कवे कि इहदा मफहूम दसो, तो लीचड़ दा मफहूम नहीं दसिया जा सकदा, लीचड़ विखाया ही जा सकता। तो इस नज़म दे विच मैं दो लीचड़ ही विखाए ने मलिक ते मन्ने दे नां नाल। मलिक साहब ईद बड़ी ईद तो पहले जरा एक दो दिन पहले पतूछतूछ पाई हुई, चिट्टे कपड़े पाए हुए, तो बकरा मंडी दे विचों कोलों दी लंघ रहे सीगे। मन्ना एक आड़ती है जिहड़ा बकरे लिया के वेच रहा सीगा, चीज़ां होर भी सी उहदे कोल, पेड़ां छेड़ां। हुण ये सेल्समैनशिप शुरू हो जाती है, मलिक साहब जा रहे ने तो एकदम मन्ना उन्होंने अट्रैक्ट करता है, और वो बाद वो अपनी सही माने सेल्समैनशिप शुरू करता है। तो एकदम मलिक नूं देख के तो कहता, बकरा के बकरी के भेडुआ नूं फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी वाड़े विच वड़ा जी। वह मूँह बेकवांगा बहार आ जाएगी, आवाज मारा कूंज नूं ते डार आ जाएगी, ए लो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगा वाली दा। वह मलिक हाले हक्का बक्का खलोता ही है, तो वह एक बकरी जिहड़ी है उन्हों पेश कर दिंदा कि देखो जी, एलो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगा वाली दा, तो इस नूं मैं जानना वा सन 47 दा, तो घट्टो घट्ट 25 घट्टो घट्ट ये 25 लेलियां दी अम्मा दी बकरी दी तारीफ हो रही है। घट्टो घट्ट ये 25 लेलियां दी अम्मा जी, तो कद वेखो ऊंट तो भी 2 गिठा लम्मा जी, तो सुथरी समार्ट ते पतली पतंग है, आदतां दे वलों भी ओका ही मलंग। तो मलिक एवं नगाह मार के कहता, सांभो मलंग नूं मजौर तेनू जापना, सांभो मलंग नूं मजौर तेनू जापना, वह मैं इनू खड़ के मजार ते नहीं सांभना। तो मन्ना एकदम परतावा दिंदा जी, अखां कानू कढ़ दिओ, आओ होर वेख लो, अखां कानू कढ़ दिओ, आओ होर वेख लो, वह 32 बोर छड्डो परा 12 बोर वेख लो। तो यह वेखो दाणा एक ए वन माल चो, मलिक नूं उन्होंने केर लिया, यह वेखो दाणा एक ए वन माल चो, मलिक वाल बोलता जे ये वाल वाल चो, तो 1.5 मण पक्का यदा गोश्त भावें तोल लो, ये भावें अंग्रेजी विच बोल लो। तो सारा दिन करता है बैठ के चुगालियाँ, सारा दिन करता है बैठ के चुगालियाँ, एवें तो नहीं आई हुई गल्लां उत्ते लालियाँ। तो माँ यदी देसी सी, प्यो सी बलैता, शजरा भी बयान कर रहा, माँ यदी देसी सी, बकरे का शजरा, माँ यदी देसी सी, प्यो सी वलैत का, तो नाम ही ना लैना ये मुल च रैत। तो मलिक कहता, गलों की मशीन है, तो कां कां बोलना, हथी गंढा चाड़ के दंदा नाल खोलना, वो सीधी सावी गल कर की लैना है, तो टोल टैक्स सने मैनू किन्ने विच पैना है। मलिक का भी तुसी अंदाजा करो कि टोल टैक्स सने मैनू किन्ने विच पैना है, टैक्स कढ़ के नहीं। तो मन्ना कहता जी, पै जाएगा आपनू 70,000, पै जाएगा आपनू 70,000 का, तो दाणा साफ सुथरा जे झूठ नहीं मैं मारदा। इन्ने ही तो मलिक साहब कौड़ियाँ दे पाए, इन्ने ही तो मलिक साहब कौड़ियाँ दे पाए, 20,000 की तेज की अनाए। मलिक कहता कोई 70,000 च, 70,000 च तो कार आ जाती, 70,000 जिते कार आ जाती है, फोन लग जाते ने, बहार आ जाती है। तो मन्ना कहता जी, 70,000 कार की गल करते हो पे, 70,000 जिते हुंडा नहीं जे लगता, 70,000 जिते हुंडा नहीं जे लगता, कुड़ी जे ब्याहनी होवे मुंडा नहीं जे लगता, 70,000 जिते हुंडा नहीं जे लगता, कुड़ी जे ब्याहनी होवे मुंडा नहीं जे लगता, रब दी सौं वेख के ते भुख लै जाएगी, रुसी हुई बुढ़ी आके कोल बह जाएगी। इंस्ट्रक्शन किदा दे जा,
रुसी हुई बुढ़ी आके कोल बह जाएगी ते मलक कहंदा ऐ गल करके ते खुश कर दिता ही, ऐ गल करके ते खुश कर दिता ही, लगता है मेरे उत्ते कुछ कर दिता ही, बहुता नहीं ते थोड़ा जिहा घट वध कर लै, 70,000 नूं तूं अध वध कर लै, बहुता नहीं थोड़ा जिहा घट वध कर लै, 70,000 नूं तूं अधो अध कर लै, ते मन्ना कहंदा हौली बोलो मलक साहब, झट ना गुजारेगा, सुन लिया बकरे ते ढुड कड मारेगा, तुसी कुछ अगे वधो मैं पिछा हट, तुसी कुछ अगे वधो मैं पिछा हटना, मुल वाली रस्सी नूं मैं होर जरा वटना, ते 70,000 चों रुपया कट कर लो, ते मुक गई जी हुण बस फटोफट कर लो। मलक कहंदा फटोफट काहदे लई, हौली हौली क्यों नहीं, वो तेली जिहदी मंगना है उहदी पौली क्यों नहीं। हुण तो लोगों नूं तेली पौली का पता भी नहीं होना कि पौली 54 सी, तेली 98 सी, रुपये 16 आने होंदे सी, तेली जी मंगना है उहदी पौली क्यों नहीं। वह मन्ना कहिंदा जी बिल्कुल ठीक है जी, सच पे आखदे, क्योंकि सारे उन्हें तो वेचना, बिल्कुल ठीक है जी सच पे आखदे, खालिस अमरीकियां डच पे आखदे, वह पिछली ब्रेक में क्लच पे आखदे, कार च बह के तो बच पे आखदे, गौर करना जरा मिसरे ते, कार च बह के कोई नहीं बच कहिंदा, हारन दिंदा, तंग कोचवान करता, तो उत्तर ला रहा उन्होंने कि कार उत्ते बह के ते बच पे आखदे। और डांस हो बिलो का तो कहें पापे कढ दियो, यह 70,000 की तो टिप दे छड़ दे, ते नेकी वाले काम च भी कुरबानी वास्ते खड़ना, नेकी वाले काम च भी ढिला करो डब नूं, वह अगे जा के दोगे जवाब किहड़ा रब नूं, दलील देखो उहदी कैसी। तो मलक कहता मुड़ मुड़ रब नूं वकील पिया करना है, वह की किसी मौलवी नूं डील पिया करना, वह मरले नूं खिच के तो मील पिया करना है, वह थाने विच रहम दी अपील पिया करना है। मन्ना समझ गया कि गल नहीं बननी, लेकिन उन्हें जान नहीं सी देना, एकदम कहता यह एक चीज़ है जी रेडीमेड बकरा, उन्होंने छड़ता, उन्होंने यह एक चीज़ है जी रेडीमेड बकरा, वाड़ी विच सब नालों वेल पेड बकरा, यह एक चीज़ है जी रेडीमेड बकरा, वाड़ी विच सब नालों वेल पेड बकरा, लक शक हैड शेड फुट शुट वेख लो, इनपुट वेख लो, तो आउटपुट वेख लो, असली ग्रां इहदा टोबा टेक सिंह जी, असली ग्रां इहदा टोबा टेक सिंह जे, ते अपने इलाके दा इह खानदानी किंग जे। मलक फट कहिंदा किंग ते कोल रख, किंग ते कोल रख, आया वड्डा बाणिया, मैं इहदे कोलों ने हुकूमतां कराणियां, किंग कोलों तो हुकूमत ही कराई जा सकदी, किंग ते कोल रख, आया वड्डा बाणिया, मैं इहदे कोलों ने हुकूमतां कराणियां। मन्ना कहिंदा गल सारी हुंदी आपो अपनी पसंद दी, रखने असीं पछाण तंद तंद दी, इस वेले ताड़ी उस दुंबे ते निगाह है, मत्था जिहदा चिट्टा है ते पिंडा काला शाह है, चक्की दियां बोटियां कूलियां करोलियां, नेरियां जे विटमिन डी दियां गोलियां। मलक उधर देख के ते कहंदा ध्यान दवाया मलक दा, ते मलक देख के कहंदा डब विचों कढ के ख्यालां वाला मोचना, डब विचों कढ के ख्यालां वाला मोचना, वेख वेख इस नूं मैं इहो पिया सोचना, कि चक्कीए के पिछे पूरा रेड़ा लगा होया, चक्कीए के पिछे पूरा रेड़ा लगा होया, ते कन्न जरा थोड़ा जिहा टेढ़ा लगा होया। मन्ना कहिंदा रब दी सो काने दे मैं नहीं लाए जे, रब दी सो काने दे मैं नहीं लाए जे, निक्के वड्डे जो भी ने रब ने बनाए जे। वैसे एक गल दसो, कन्न तुसां खाने ने, वैसे एक गल दसो, कन्न तुसां खाने ने या ये सुका के ते बैठ के सजाने ने। गल सुनो मलक साहब, वो समझ गया सी कि बकरे वाल काम नहीं बनता, पे हुण नज़म अपने एंड वाल जा रही है, कि वैसे एक गल दसो, कन्न तुसां खाने ने या ये सुका के ते बैठ के सजाने ने। गल सुनो मलक साहब, ऊंठ भी हलाल जे, लब के लियावां कितों, दसो की ख्याल जे। मलक कहिंदा वो इहदे लई ऊंठ दी जिक्र, इहदे लई सत हिस्सेदार कितों फड़ांगा, वो इहनूं नाल लै के ते घर किदां वड़ांगा, दस्ती ते रान इहदी किहदे सिर मड़ांगा, वो कौन लई इसनूं कसाई कितों खड़ांगा। मन्ना कहिंदा जी मुल तुसीं तारो जी, कसाई मैं देंगा, हाँ तुसीं करो, अते साई को अपना ते सी उहदे लभ के लियाणा सी ऊंठ, मुल तुसी तारो जी, कसाई मैं देंगा, हाँ तुसी करो ते साई मैं देंगा, देख जे पकानी होवे नाई मैं देंगा, खुसरे तुहाडे ते बधाई मैं देंगा।
ਚੁੱਪੋਏ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਕਦ ਪਿਆ ਮਿਣਨਾ, ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਪਿਆ ਗਿਣਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਮੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਿਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਰਸਤਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਕੜ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।